कांवड़ यात्रा समापन की ओर है, लेकिन कांवड़ियों का हुड़दंग जारी है। मामला यूपी के बुलंदशहर का है, जहां कांवड़ियों ने पहले पुलिस की जीप पर हमला कर दिया, इसके बाद पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हालात ऐसे बन गए कि जान बचाने के लिए पुलिस वालों को मौके से भागना पड़ा। दरअसल पुरानी रंजिश में बदला लेने की नीयत से कुछ लोगों ने कांवड़ियों के भेष में आकर पहले तो एक युवक की बेरहमी से पिटाई की, उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के साथ मारपीट करते हुए पीसीआर वैन भी तोड़ दी। देखिए, कल मामला है लगभग 7:30-8 बजे का है। बुकलाना, जो कि हमारा नरसेना थाना क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पर पप्पू नाम का व्यक्ति जो किनौना थाना खानपुर का रहने वाला है, इसकी ननसाल है। अभी लगभग एक सप्ताह पहले यह ठेकेदार के साथ मीटर लगाने का, बिजली का मीटर लगाने का कार्य करता है, तो ये बुकलाना में दीपू के घर पे गया था मीटर लगाने के लिए, जिसको लेकर इनका विवाद हुआ था लगभग एक सप्ताह पहले। अब इस समय ये कांवड़ के भेष में इनको अवसर मिला और कल ले जाके सुबह फिर झगड़ा किए। उसी दौरान जब हमारी PRB मोबाइल पहुँची वहाँ पर, तो इन लोगों ने उसका शीशा तोड़ दिया। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये दो लोगों का आपस का मामला है, इसमें जो भी कांवड़ के वेश में हैं ये लोग इसके साथी हैं पप्पू के, जिनकी पहचान कर ली गई है। 8 लोगों के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया है, उनकी तलाश की जा रही है, शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को हालात काबू करने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। बुलंदशहर से मोहित के साथ प्रियंका की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।